सोने चांदी की शौकीन चुड़ैल। मंजुला आईने के सामने खड़ी होकर सोने चांदी के जेवर पहनते हुए खुद को निहार रही थी, तभी हरि सिंह कहता है, अरे भगवान, मना किया था ना ये सोने और चांदी के गहने मत पहनना। सोने चांदी के गहनों के बिना कैसे पता चलेगा कि हम कितने रईस और अमीर हैं? तुम्हें पता तो है आजकल हमारे गाँव में सोना चांदी किस बेहिसाब तरह से चोरी हो रहा है। देख लो जी, गहना औरतों का श्रृंगार होता है, बिना सोना चांदी पहने औरतों के तन की रौनक कहाँ है? तुम औरतों को समझाना बड़ा कठिन है। अचानक मंजुला को शीशे में अपने पीछे भयानक चुड़ैल गहनों से लदी नजर आती है। मंजुला आंखें बड़ी करके पीछे पलटती हुई कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद मेरी ही आंखों का भ्रम होगा। दोनों गाड़ी में बैठकर शादी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी अचानक सुनसान सड़क के बीच एक औरत सिर से पांव तक सोने चांदी से लदी हुई गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। मेरी मदद कीजिए, कुछ गुंडे लफंगे मेरे गहने लूटने के लिए पीछे पड़े हैं। अंदर आकर बैठ जाओ। मंजुला आंखें बड़ी करके लगातार उस औरत को निहारने लगती है। तभी औरत कहती है, आप शायद मेरे गहनों को देख रही हैं, है ना? तुम्हारे गहनों की चमक इतनी तेज है कि मेरी नजर ही नहीं हट रही। खड़े सोने से बने हैं, मेरे गहने पूरे 24 कैरेट के हैं। औरत के पैरों से आ रही छनछन की आवाज सुनकर मंजुला उसके पैरों को देखकर घबराते हुए कहती है, अजी सुनते हो, इस औरत को अभी उतारो। अरे भगवान, इतनी रात को एक अकेली औरत को सुनसान सड़क पर छोड़ना सही नहीं है। अरे ये चुड़ैल है, इसके पांव उल्टे हैं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इसका अक्स सब कुछ साफ कर देगा। जैसे ही दोनों शीशे में देखते हैं तो उन्हें अपने पीछे गहनों से लदी चुड़ैल बैठी नजर आती है। दोनों हड़बड़ाहट में नीचे उतरकर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल उन्हें घेर कर कहती है, भागने की इतनी जल्दी भी क्या है? तुम हमसे क्या चाहती हो? अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो ये सभी सोने और चांदी के जेवर मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं अपने कीमती जेवर किसी कीमत पर नहीं दूंगी। चुड़ैल अपने खोखार हाथ आगे बढ़ाकर मंजुला की गर्दन से सोने का हार खींच लेती है, जिसके कारण मंजुला का गर्दन कटने के साथ उसी समय पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और चुड़ैल उन गहनों को हथिया कर एक वीरान खंडहर में रुककर कहती है, रोशनी की जाए। चुड़ैल के चुटकी बजाते ही खंडहर रोशनी से जगमगा उठता है और चुड़ैल खुशी से झूमते हुए सुरीले अंदाज में गाती है, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, अब ना कभी तू जुदा मुझसे होना, मैंने तुझे बड़ी मुद्दत से पाया, तेरी खातिर मैंने जान भी गवाया रे। वक्त गुजरता है और गांव में जब भी शादी ब्याह होता तो चुड़ैल वहां आ धमकती और उन गहनों को चोरी करके ले जाती। आज गांव की बड़ी हवेली में धूम मची हुई है, जिसकी आवाज सुन चुड़ैल नींद से जाकर अपने सोने के बक्से पर से उठकर कहती है, लगता है आज फिर से शादी का माहौल है, मुझे निमंत्रण देना तो भूल ही गए ये हवेली वाले। चुड़ैल शादी में पहुंचकर चारों तरफ देखते हुए कहती है, अरे वाह, ये सभी तो सोने चांदी से लदे हुए हैं, इन सभी का जेवर लूट कर अपनी तिजोरी भरूंगी। सोना चांदी की लुटेरन चुड़ैल भीड़ को चीरते हुए दुल्हन के कमरे में पहुंचकर शीशे पर रखे गहनों को उठाकर कहती है, जरा इन गहनों को मैं भी पहन कर देख लूं क्या? चुड़ैल को देखकर दुल्हन के लिबास में खड़ी नेहा जोर से चीखते हुए कहती है, चुड़ैल राजीव बचाओ। आरी प्यारी, तुम तो मुझसे खामखा डर गई, मेरे करीब बताओ तुम क्या चाहती हो मुझसे? मुझे सिर्फ तुम्हारे सोने चांदी के गहने चाहिए, वो भी सारे। ये लो, सारे गहने ले जाओ, बस मेरी जान बख्श दो। चुड़ैल उन सभी गहनों को पहनकर कहती है, सजना है मुझे सजना के लिए। पीसी ज्वेलर से बनवाए हैं क्या ये गहने? कितने तोले का है ये सब? चुड़ैल गहनों को पहनकर झूमते हुए बाहर आकर बचे हुए सभी लोगों के गहनों को चुंबक की तरह हथियाकर कहती है, आज तो माला माल हो गई इन सभी के गहने लूटकर। राजीव, हॉल में सभी मेहमानों के सोने चांदी के गहने जाने कहां गायब हो रहे हैं। फट रबिश, तुमने चोर की शक्ल देखी नहीं ना, फिर ऐसा कौन करेगा आखिर? चुड़ैल, हाँ राजीव,
मेरे कमरे में भी एक चुड़ैल आई थी, उसने बहुत सारे गहने पहने हुए थे और वो मेरे गहने भी लूट कर ले गई। सोने चांदी की शौकीन चुड़ैल अपने शरीर पर सजे हुए गहनों को छूते हुए कहती है, मुगैम्बो खुश हुआ। चुड़ैल अपने खंडर घर में आकर तिजोरी खोल कर कहती है, ये तमाम सोने चांदी मेरे बरसों की चोरी की कमाई है। चुड़ैल सभी के घरों के चौखट पर एक एक सोने चांदी के जेवर रखकर उनका दरवाजा खटखटाती है और गांव वाले अपना दरवाजा खोलकर जेवरों को उठाकर खुश होते हैं। तभी हवेली के अमीर तबके के लोग वहां आकर कहते हैं, अच्छा तो गहनों की चोरनी एक चुड़ैल है, पक्का ये चुड़ैल इन गांव वालों का मोहरा है। ये भूखे नंगे गांव वाले हम जैसे अमीरों को लूटने के लिए टोना टोटका से चुड़ैल से चोरी करवा रहे हैं। अरे नहीं बड़े सरकार, हम बेशक गरीब हैं पर नमक हलाल नहीं है। हम नहीं जानते थे कि ये गहने चोरी के हैं, अगर हम जानते तो इन्हें छूने की गुस्ताखी भी नहीं करते। ये सोने चांदी के गहने मेरे हैं, सिर्फ मेरे, इन पर मेरा हक है। ये गरीब अमीरों को लूटना जानते हैं। बंद करो अपनी अमीरी का दौर झाड़ना, पैसों के अमीर दिल के गरीब। ये चुड़ैल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। चुड़ैल हरी सिंह को अपना इंसानी रूप दिखाकर कहती है, अब तो तूने पहचान ही लिया होगा। कहना, तू तो सालों पहले मर गई थी। पूछोगे नहीं आखिर मैं सोना चांदी चुराने वाली आखिर क्यों और कैसे बनी। बात सालों पहले की है। 18 वर्षीय गहना बड़ी रूपवती थी। वो बड़ी हवेली में साफ सफाई का काम करती थी। आज जब वो काम कर रही थी तभी उसकी नजर आईने के पास रखे अनेकों जेवर पर पड़ती है, जिसे पहनकर वो कहती है, ये सोने और चांदी के गहने मेरे ऊपर कितने ज्यादा जच रहे हैं, काश ये मेरे होते। अचानक मनी सिंह उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है, अगर तुम चाहो तो ये सोने चांदी के गहने तुम्हारे हो सकते हैं। बड़े सरकार ये क्या बदसलूकी है, छोड़िए मुझे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सोने चांदी के गहने बहुत भाते हैं। मैं तुम्हें सोने चांदी में तोल सकता हूँ। जब से तुम इस हवेली में आई हो मैं तुम्हारे रूप का घायल हो गया हूँ। गहना अपने बचाव में उसको दूर धकेल कर कहती है, ऐसा सोचते हुए तेरी रूह नहीं कापी नीच दरिंदे, इतना तो देख कि मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। गहना जब हवेली से जाने लगती है तो मनी सिंह उसके साथ जोर जबरदस्ती पर उतारू होकर बदसलूकी करके गहना को मार डालता है और उसे सभी सोने चांदी के गहने पहनाकर कहता है, अब सभी लोग यही समझेंगे कि इसने हवेली से सोने और चांदी के गहने चुराए थे और मुझ पर किसी को शक तक नहीं होगा। मेरी सिसकियां हवेली में दब कर रह गई और मुझे इंसाफ नहीं मिला। पिताजी के गुनाहों की मैं तुमसे माफी मांगता हूँ पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एक ही शर्त पर, मेरे यहाँ से जाने के बाद कोई भी इस गांव में सोने या चांदी के जेवर कभी नहीं पहनेगा, वरना मैं फिर लौट आऊंगी और कोहराम मचा दूंगी। हम वादा करते हैं। चुड़ैल की आत्मा गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और उस दिन के बाद से गांव का कोई भी इंसान चुड़ैल के खौफ से सोने या चांदी के जेवर भूल से भी कभी नहीं पहनता।